Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड लंदन से वापस वतन के लिए रवाना हो गए। मरियम नवाज कहती हैं हम वतन वापस जा रहे हैं, अदालतों का सामना करेंगे, जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सब अदालत ने कल शरीफ फैमिली को तलब कर रखा है। अमरीका अफगानिस्तान में दाइश को असलहा फराहम कर रहा है। दाइश अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे इस्तेमाल कर रही है। अमरीका के दाइश से राबते हैं। साबिक अफगान सदर हामिद करजई ने भांजा फोड़ दिया। Of the country, but in many parts of Afghanistan, and this is a daily occurrence, and this is a daily reporting that we get from our people, from our villages. कश्मीर में 80,000 से ज्यादा अफराद की जान ले ली थी। 1.5 लाख अफराद जख्मी और 6 लाख घर तबाह हुए थे। 12 बरस बाद भी न्यू बालाकोट सिटी मंसूबा मुकम्मल ना हुआ, प्रोजेक्ट भी अब तक नाकाबले नामुकम्मल। आज अक्टूबर 2005 के होलनाक जलजले में जहां वहां का अफराद की याद में तकारीब। आजाद कश्मीर में 8:52 की खामोशी, शहदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए गए। इस्लामाबाद में भी शहदा के लिए फातिहा खानी, हाफिजाबाद में भी शहदा के लिए दुआ। मुल्क में आज कुदरती आफात से बचाव के लिए आगही का दिन मनाया जा रहा है। बड़े शहरों में तामीरात के कवानीन के बरक्स बनाई गई बुलंदों वाला इमारतें किसी भी सानहे का सबब बन सकती हैं। जिम्मेदार कौन? कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में रावी सेंटर के चाकू से हमले की कोशिश, मुलजिम सुर्ख मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। हमलावर के खिलाफ 10 मुकदमा दर्ज। पेशावर में डेंगू वायरस ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। सूबे में वालों की तादाद 49 हो गई। देश को एक अस्पताल गोजरावाला डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गोजरा वालों ने नशे में धुत दो नौजवानों को दाखिले से सिक्योरिटी गार्ड से रोका तो नौजवान आपे से बाहर हो गए। मारपीट शुरू कर दी, पुलिस जवान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में तेज धूप और गर्म हवाएं आज भी झुलसा रही हैं। पारा 35 डिग्री पर पहुंच गया, कल 40 डिग्री तक गया था। साबिक अमरीकी सुदूर शुमाली कोरिया से मुज़ाकरात करते रहे, लेकिन मुहाइदों की सियाही सूखने से कबल ही खिलाफ वर्जी कोई नतीजा नहीं निकला। शुमाली कोरिया पर एक ही चीज कारगर होगी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट।